हेलो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं मैंने अभी ये कद्दू के जड़ के पास यहाँ पे गोबर डाला हूँ सड़ा हुआ। आप देख सकते हैं एक प्रकार से इसे ऑर्गेनिक खाद ही कह सकते हैं। और मेरा जितना ये लत है सारा मैं दूंगा। और एक लत के पास करीबन 2.5 से 3 किलो देता हूँ। आप देख सकते हैं सारा जितना लौकी का लत है सारा जड़ के पास इसको देंगे और इनके ऊपर खाद डाल करके अभी इसको भरेंगे और फिर पटवन लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाद रखा हुआ है, इसमें यूरिया DAP और पोटाश को मिक्स किया हूँ। और इनके अभी जो जड़ है लत के नीचे वाला भाग वहाँ पे देंगे। और मैं आपको दिखा दूँ हम लोग कंपोस्ट कैसे बनाता हूँ। और ये जो सड़ा हुआ होता है गोबर इन्हीं को देते हैं। और देखिए यहाँ पे जो रखा हुआ बगल में ये गला नहीं है अभी, जो कच्चा रहता है इनको नहीं देंगे आप। इससे आपका जो पौधा है आप जो भी फसल लगाते हैं वो सड़ जाएगा, वहाँ गलने लगता है। ये कच्चा गोबर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे साइड पे रखा हुआ यही सब देते हैं। और दिखाता हूँ कहाँ पे इसको बनने के लिए देते हैं। देखिए मैंने इनका नीचे पे तिरपाल बिछा दिया हूँ। ये जैविक खाद बनाता है लेकिन कीड़ा नहीं मिला इसमें, इसलिए वो अपने से गल गया है। और जो केंचुआ होता है वो केंचुआ, और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा कीड़ा है, इन्हीं का मदद से वो सड़ जाता है। वो टाइम पे नहीं मिल पाया कीड़ा, नहीं तो ये ऑर्गेनिक खाद में बनाता। और इन्हीं को भी देंगे सारा जड़ के पास में। आप लोग भी इस तरह से अगर फसल लगाते हैं तो इसको दीजिएगा, अच्छा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो मैं खाद दिया हूँ 5 से 6 इंची के दूरी पे दिया हूँ, ताकि अधिक भी पड़ जाए तो वो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। नहीं तो क्या होता है कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा खाद पड़ जाने के बाद पौधा मर जाता है। और इसी तरह से आप सारा पौधों में दे लेंगे और फिर इनका ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। और जो इनको खाद दीजिएगा आप 40 से 50 ग्राम दीजिएगा और थोड़ा सा दूर पे दीजिएगा, जैसे कि मैं दिया हूँ। देख सकते हैं आप सारा जड़ के पास खाद और गोबर दे दिया हूँ। अभी इनको भरेंगे फिर अभी पानी देंगे इनके ऊपर। आप देख सकते हैं मैं सारा को भर दिया हूँ और आपको घास भी एक नज़र नहीं आता होगा। अगर आप गोबर और खाद देंगे ऊपर में, अगर रहने देंगे मिट्टी इसका मतलब ऊपर में नहीं ढकेंगे तो वो काम नहीं करता है अच्छा से। अगर इसको ऊपर में मिट्टी से ढक देते हैं तो अच्छा से वो काम करता है। और अब इसमें पानी भी दे रहे हैं क्योंकि धूप अभी बहुत है, कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। आप देख सकते हैं पूरा आसमान वाइट वाइट दिख रहा है, इतना धूप है। आप लोग भी इस तरह से भर लीजिएगा ताकि अगर पानी पड़े तो वो निकल जाएगा, अगर पानी नहीं पड़ेगा तो आप लोग उसे पटा देंगे पानी से। और देख सकते हैं आप जो कुआं से पानी पटा रहा हूँ कितना ठंडा पानी है। आप देख सकते हैं जैसे कि बोतल में ठंडा पानी भरा हुआ रहता है तो वो पसीना छोड़ता। आप देख सकते हैं इतना धूप में भी ये पाइप से पानी बाहर आ रहा है, कितना ठंडा पानी है। और जो जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि किसानों से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।